गुड मॉर्निंग बॉस, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 10 का दंगल और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम का सबसे तगड़ा शो लेकर हाजिर है हम 10 का दंगल। आइए आगाज करते हैं। चार बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी पहले वो जानिए। देखिए, आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देश को एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। देश की आन बान शान राजपथ अब इतिहास हो जाएगा क्योंकि नया नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। आज शाम को 7 बजे इसका इनॉग्रेशन है, इसकी तैयारी पूरी हो पाएगी। लेकिन क्या अब आप लोग, क्या अब हम लोग इंडिया गेट पर पहले की तरह घूम पाएंगे, स्ट्रीट फूड का मजा ले पाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे क्योंकि मैं और मेरे 4 रिपोर्टर्स सीधा कर्तव्य पथ से जुड़ेंगे और बताएंगे क्या कुछ अपडेट मौके पर है। दूसरी बड़ी खबर 10 के दंगल में जो रहेगी वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, आतंकी याकूब मेमन की कब्र को जिस तरीके से मजार में तब्दील किया गया, उसकी शक्ल दी गई है, ऐसे में उद्धव सरकार के कार्यकाल में इस पूरी चीजों को किया गया है। ऐसे में बीजेपी अब काफी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो सवाल उठा रखे हैं, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, इन सभी को लेकर सवाल उठा रखे हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो सियासी घमासान है महाराष्ट्र में, ये कब जाकर इसका अंत होता है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की जान का दुश्मन, आखिर उसकी कब्र को क्यों मजार की शक्ल दी गई, इसको लेकर आगे आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। यहां से आगे बढ़ेंगे तो दंगल होगा दिल्ली की सड़कों पर। जी हां, क्योंकि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और एलजी आमने सामने आ चुके हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ आप प्रॉपर्टी की खरीद में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उसको चुराने का आरोप लगा है और इसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी बात बिल्कुल तय है, एक बार फिर से सड़कों पर आम आदमी पार्टी उतरेगी। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करवा लीजिए, ईडी जांच करवा लीजिए, कहीं से कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड पर हल्ला मचना तय है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर 10 के दंगल में जो रहने वाली है वो ये कि बिजनौर में जिस तरीके से एक बार फिर से सामूहिक नमाज का मामला सामने आया, ग्राउंड में सामूहिक तरीके से नमाज पढ़ी गई। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस ना हो, उसके बावजूद भी आखिर क्यों समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आई। पहले लखनऊ का लुलु मॉल सवालों के घेरे में और उसके बाद प्रयागराज और जो अब देखिए बिजनौर में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया, इसको लेकर तफ्तीश से बात करेंगे। और देखिए, इसी क्रम में 10 का दंगल में जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, मुंबई महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर आतंकी याकूब की कब्र को सजा दिया गया, मजार जैसी तस्वीर वहां से आने लगी, टाइल्स लगा दी गई और इस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की राज में उसकी सरकार के दौरान आप देखिए इस कब्र को मजार में तब्दील किया गया। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए और एक वीडियो यहां पर ट्वीट किया गया राम कदम द्वारा, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे इस कब्र को, उस आतंकी की कब्र को जिसकी वजह से कई लोग गाल के गवाल में गाल में समा गए, आखिर उसका महिमा मंडन क्यों, क्यों संगमरमर के पत्थर से उसकी कब्र को सजाया गया, ये बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है। उद्धव की मुख्यमंत्री रहते हुए कब्र को सजाया गया, राम कदम बीजेपी के लीडर है उनकी तरफ से कहा गया और क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है, उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे, उनके खामोशी के पीछे क्या राज था, क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है। उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि कुकर्म के पीछे उनकी मंशा क्या थी। तो आतंकी की कब्र को आखिर मजार की शक्ल क्यों दी गई, राम कदम का ये कहना और उद्धव ठाकरे आखिर खामोश क्यों हैं, इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। शरद पवार राहुल गांधी से भी कह रहे हैं कि माफी मांगे, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे
आतंकी याकूब मेमन की पुरानी कब्र की भी तस्वीर आपको दिखा रखी है और जो नई कब्र की जिसको मजार की शक्ल दी गई है वो भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि उद्धव काल में बीजेपी का यही कहना है कि देखिए किस तरीके से कब्र को मजार की शक्ल दी गई है, उसको सजाया गया है। सवाल ये है कि सैकड़ों लोगों की जान का हम ये कह सकते हैं कि दुश्मन और उसकी कब्र को किस तरीके से मजार की शक्ल दी जा रही है और इसलिए सवाल कई उठ रहे हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे प्रशांत की तरफ रुख करते हैं। प्रशांत सवाल ये है, बीजेपी भी उठा रही है ये सवाल कि आखिर आतंकी का इतना सम्मान क्यों किया जा रहा है, क्यों उसकी कब्र को मजार की शक्ल दी गई, फूलों से सजाया गया। सही कहा आपने, 250 के ऊपर से ज़्यादा लोग जो है 93 बॉम्ब ब्लास्ट में मुंबई में शहीद हो गए थे और उसका जो आरोपी है याकूब मेमन उसको जो फांसी हो गई उसके बाद भी जो है बड़ा कब्रस्तान में उसको जो कब्र है उसको मज़ार का रूप देने का जो है वो आरोप लगाया गया है। हमने भी अंदर जाके देखा तो उसमें जो है बाजू से जो है मार्बल जो है लगाया हुआ दिखाई दिया, तो जो जो कब्र है उसके ऊपर बाजू से जो LED लाइट भी दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो है जो इसको जो कब्र है उसको सजाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का कब्रस्तान का कहना है कि ये जो लाइट है वो शाम को चालू होती है क्योंकि वहाँ पे बावड़ी है इसके लिए, मगर अगर पूरे कब्रस्तान को पूछा जाए तो देखा जाए तो कि बहुत सारी यहाँ पे जो है कब्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पहली कब्र आप देख रहे हैं ये है दाऊद फैमिली की कब्र है, उनके जो जो रिश्तेदार थे उनकी कब्र है, उसके बाजू में जो है हसीना जो है उनकी बहन उनकी कब्र है। ऐसे ही ये बड़े कब्रस्तान में जो है बड़ा कब्रस्तान कहा जाता है, ये बड़ा कब्रस्तान में बहुत लोगों की जो है कब्र है जहाँ पे उनको दफनाया जाता है। अगर देखा जाए तो ये याकूब मेमन को भी यहाँ पे दफनाया गया, और लेकिन मगर अगर मुद्दा जो उठा है कि क्या उसके कब्र को जो है ये मजार बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, और इसके चलते ही जो बीजेपी है वो अभी सत्ते में आ गई है और उन्होंने आवाज़ उठाया है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के सरकार के पास सरकार में थी तभी हुआ और उसके वजह से इनको जो है जो आवाज़ जो है उठा रही है और कह रही है कि सरकार से एक चीज बताइए, क्या सिर्फ इसी इतने जगह पर कायाकल्प किया गया है या फिर इस पूरे पूरे जो ये पूरा कब्रिस्तान का इलाका है वहां पर हर एक कब्र को इस तरीके से रेनोवेट किया गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो है कब्रिस्तान का जो है पूरा ये माहौल है ये दिख रहा है और ये जो आगे जो व्हाइट वाला जो है उसके आगे जो है याकूब मेमन की कब्र है जिसको अभी जो कहा जा रहा है कि मज़ार में तब्दील की जा रही है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे जो यहाँ पे कब्र है उनके बाजू में है, ये नॉर्मल जो है जो सिक्योरिटी के लिए जो कटड़ा बनाते हैं वो लगाया गया है, मगर सिर्फ जो याकूब मेमन की जो है कब्र है उनके ऊपर ही थोड़ा सा जो है जो बाजू का जो फेंसिंग है वहाँ पर मार्बल गया उसको उस पे जो है उस पे LED लाइट लगाई गई है और इधर से जो है ये मुद्दा जो आगे आया सामने आया गर्मा गया कि क्या एक आतंकी के कब्र को इतना सजाने की जरूरत है क्या, और वो भी उद्धव ठाकरे की सरकार जब सत्ता में थी तभी सजाया गया। ठीक है प्रशांत, देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब्र को मजार की शक्ल क्यों दी गई है, उसको फूलों से क्यों सजाया गया है, और यही कहना है देखिए बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के जो नेता है राम कदम वो खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनकी तरफ ही रुख करते हैं। राम कदम जी बहुत बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर आपका, और सवाल ये है कि आखिर आतंकी का इतना सम्मान क्यों, जो कि आप भी ये सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी तो उन्हीं की अगुवाई में उनके साथ राहुल गांधी शरद पवार जी भी उतने जिम्मेदार है, उनके सामने ये कब्र को मजार में तब्दील करने का कुकर्म हुआ है। इस देश में शहीदों का सम्मान होगा या आतंकियों का सम्मान होगा? एक ऐसा आतंकी जो हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर मुंबई में बमकांड करता है, न्यायपालिका उसे सजा सुनाती है और उसकी कब्र को उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार रातों रात उसे मार्बल लगाना, LED लाइट लगाना, वहां पे सिक्योरिटी रखना, जैसे मान करके चलो कि किसी आतंकी का महिमा मंडन करने का दुष्कृत्य उद्धव ठाकरे जी के द्वारा हुआ है। शरद पवार जी भी उतने जिम्मेदार है, राहुल गांधी भी उतने जिम्मेदार है क्योंकि उनके दोनों दल उनके साथ सत्ता साझा कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, आज सारा देश देख रहा है कि एक आतंकी का सम्मान उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने कैसा किया, तो क्या आगे आकर के शहीद परिवारों से माफी मांगेंगे?
जो आतंकियों के साथ लड़ते समय जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं उनके परिवार को क्या लगा होगा। ये मां भारती है, इस मां भारती में इस भूमि पर कभी आतंकी का सम्मान हम होने नहीं देंगे। राम जी वापस आपके पास आएंगे, एक सवाल और आपसे पूछेंगे, लेकिन इस बीच कब्रिस्तान में काम करने वाले कर्मचारी ने भी अपनी बात रखी है हिंदुस्तान पर, एक बार उसको सुनते हैं फिर वापस राम कदम जी के पास चलेंगे। तो याकूब के परिवार वालों से किसी ने इसका देखरेख की जिम्मेदारी ली है? इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन ये जुमा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट ऑफिस में जाएगी तो वहाँ पता चलेगा कि इसके मेंटेनेंस फीस कौन भरता है और कौन इसके बारे में ज़्यादा वो करता है। इस कब्र पे अक्सर कौन कौन आता है? ये तो देखो धर्म स्थल है और यहाँ पर मस्जिद हो या कब्रस्तान हो या दरगाह हो, यहाँ पर हर किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी आके जा सकता है। अच्छा, आज ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस भी शाम को आई थी वो देखने के लिए, लाइट वगैरह पुलिस? नहीं, ऐसा तो कुछ इशू नहीं था, अगर आई भी होगी तो आके अक्सर वो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह रहता है तो वो लोग आते हैं। तो आपने सुना कब्रिस्तान के कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं। राम कदम बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी राम राम आपको, आपके तो नाम में ही राम है, लेकिन जब हम महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, मैं अभी 25 से 30 दिन वहीं रहा, वीर सम्राट शिवाजी का मन में एक तस्वीर आ जाती है और वहां पर एक आतंकी को महिमा मंडित किया जाएगा क्या? विगत 2.5 वर्षों में जब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, उस दिन से महाराष्ट्र में की भूमि पर इन्होंने कैसे कैसे कुकर्म किए, पालघर हत्याकांड में शादियों को के साथ किस तरह से छलावा किया, ये सारा देश ने देखा है। और विषय यह नहीं है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जी। अगर किसी शहीद परिवार में किसी शहीद की अगर कब्र है उसको अगर मजार में तब्दील किया जाता है तो उसका स्वागत होगा, क्योंकि उसने देश के लिए जान गंवाई है, देश के लिए उसने त्याग दिया है। पर आतंकी जो हजारों लोग को बमकांड के द्वारा मारा जाएगा, जो न्यायपालिका उसे दोषी करार करती है, ऐसा आतंकी? और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का पुत्र जब मुख्यमंत्री पद पर बैठा है वो उसे समर्थन करेगा, आंखें बंद कर लेगा? मतलब सत्ता का दुरुपयोग हमने इसके पहले भी कई बार देखा है, पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में आतंकी का महिमा मंडन, क्या ये चर्चा सुनने वाला भारत का राम देश कदम जी? देखिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शंस भी नहीं आए हैं? और दूसरी अहम चीज की आखिर अब जाकर ये पूरा मुद्दा क्यों उठ रहा है और अब सरकार भी नहीं की है? देखिए ऐसा है, इसे दल के साथ हमने नहीं जोड़ना चाहिए, यह मुद्दा भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों का है और 135 करोड़ लोग उद्धव ठाकरे से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो दुश्मन मुल्क के इशारे पर मुंबई में बमकांड करता है, लोगों की जान लेता है, उसका महिमा मंडन आपके कार्यकाल में कैसा हुआ? तो इसको दल के साथ न जोड़े हम। जब भारत का विषय आता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम सूत्र है दल के ऊपर राष्ट्र है, यह राष्ट्र का विषय है। ये उन शहीद परिवारों को क्या लगा होगा, उनके दिल को क्या ठेस पहुंची होगी, उसका विषय है। जब भी मुंबई पर देश पर आतंकियों के हमले हुए तो सबसे पहले उनका सामना करता है हमारा फौजी, खुद की जान गंवाता है। ठीक है, लेकिन उसकी कब्र अगर मजार ये देखना होगा कि आप लोग जैसे कि बात कर रहे हैं कि सबके आवाज का आप बनेंगे और राष्ट्र की बात है अब ये, तो किस तरीके से पूरे मुद्दे को बीजेपी आगे उठाएगी, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी, अब ये देखना होगा कि उद्धव काल में अगर ये सब हुआ तो उसको लेकर बीजेपी आगे कैसे रिएक्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी हमारे साथ जुड़ने का। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए बहुत एक्टिव नजर आ रही है फुलवारी शरीफ के आसपास के तमाम जगहों पर। एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको याद होगा किस तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाना 2047 तक, बिहार में कई जगह एनआईए इसको लेकर छापेमार कार्रवाई कर रही है। मधुबनी में अंसार के घर पर छापेमारी की गई, इस वक्त की बड़ी खबर। छपरा में परवेज जालम के घर पर भी छापा मारा गया। इसके अलावा देखिए अलग अलग जगह पर एनआईए की टीम जो है वो एक्टिव हो चुकी है, एक्शन ले रही है फुलवारी शरीफ मामले में। दरअसल इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है और बिहार की कई ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी की जा रही है। देखिए समय समय पर
ये लगातार वीडियोस भी आते जा रहे हैं जहां पे पीएफआई खास तौर से उन सभी लोगों को ट्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जो देश विरोधी एक्टिविटीज हो रही हैं पीएफआई क्योंकि है अब वो एक्टिव हो चुका है, और न सिर्फ बिहार अलग अलग राज्यों में भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हितेन विटलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, इस्लामिक राज 2047 तक वो तमाम दस्तावेज सबके सामने अभी भी है जहन में, लेकिन अब एनआईए बहुत ज्यादा एक्टिव, कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई थी सभी आरोपियों के खिलाफ, उसके बाद एनआईए की ये एक बड़ी छापेमारी है, क्योंकि जो 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 भी कुछ मिला था उसी आधार पर एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, पूछताछ में बहुत कुछ निकल कर सामने आया है। इसीलिए एनआईए उन उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां पर उन आरोपियों की निशानदेही है, वहां से एनआईए को शंका है कि बहुत कुछ और भी हाथ में आ सकता है, इसीलिए ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि एनआईए सूत्रों का ये कहना है कि कुल मिलाकर बिहार के 30 से ज्यादा जगहों पर जो है ये अलग अलग टीमें जो है वो छापेमारी कर रही है। हालांकि जब अब तक एनआईए की तरफ से आधिकारिक तौर पर खुलकर जो है किसी भी प्रकार का बयान सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि दोपहर तक एनआईए की तरफ से एक आधिकारिक बयान दिया जाए कि इन छापेमारियों की वजह क्या थी, आखिरकार पूछताछ में क्या कुछ ऐसा सामने आया। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पीएफआई के अलग अलग वीडियो सामने आ रखे हैं, छापेमारी के दौरान गतिविधियों को लगातार हम देख रहे हैं, जो युवा हैं उसमें साफ तौर से जुड़ते हुए जा रहे हैं, ट्रेनिंग के वीडियो सामने आए, तो क्या समझे हम पीएफआई पर एक कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। और न सिर्फ बिहार, बिहार के बाद अलग अलग राज्यों में भी एनआईए की तरफ से ऐसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने, देखिए निश्चित तौर पर एक कार्रवाई करने जा रही है गृह मंत्रालय। थोड़े दिन पहले ही गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा था कि एनआईए की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है पीएफआई पर और पीएफआई जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसे देखते हुए गृह मंत्रालय एक विचार कर रहा है कि पीएफआई को पूरी तरह से भारत में बैन किया जाए। क्योंकि देखिए ये एक रिपोर्ट बहुत पहले ही आ चुकी थी कि सिमी बंद हुआ, उसके बाद पीएफआई को जो है वो खोला गया था, तो सिमी के तर्ज पर ही पीएफआई को बनाया गया था। पीएफआई का पर्दा पूरी तरीके से खुल गया तो पीएफआई ने भी छोटे छोटे अलग 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 संगठन बनाए, जैसे उसकी युवा वाहिनी टाइप है वो एसडीपीआई के जैसे अलग अलग और छोटे मोटे संगठन जो है पीएफआई ने क्रिएट कर लिए। इन सब के नाम जो है वो फुलवारी शरीफ के बाद खुलना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं इन सभी संगठनों को एक साथ बैन लगाने के लिए अब गृह मंत्रालय भी जो है वो विचार कर रहा है। ठीक है, ताकि एनआईए बिल्कुल एनआईए बहुत ज्यादा एक्टिव है और फुलवारी शरीफ से क्या कुछ इनपुट मिले थे उसी के आधार पर कार्रवाई। बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा। तो इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, दंगल जारी। की खबर का बड़ा असर हुआ है आतंकी याकूब मेमन की, जो कब्र को मजार की शक्ल दी गई, लाइटिंग्स की गई, सजावट की गई, अब इसको हटा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मामला बढ़ता देख हिंदुस्तान ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद अब प्रशासन जागा है, सीधी तस्वीरें हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। देखिए अब तक यहां पर गुलाब के फूल पत्तियां पड़ी हुई थी, लाइटिंग लगी हुई थी, वो अब यहां से हटाता हुआ कब्रिस्तान का प्रशासन नजर आया और जे हिंदुस्तान ने इस खबर को सबसे पहले और प्रमुखता से उठाया, क्योंकि यहां पर बात हिंदुस्तान की है और जो हिंदुस्तान का गुनहगार है उसका महिमा मंडन तो देश में नहीं हो सकता है। तो मुंबई पुलिस ने कब्र से लाइटिंग और सजावट हटाई, उसकी सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बात हिंदुस्तान की है, बात राष्ट्र की है, और बीजेपी भी लगातार देखिए आक्रामक दिखाई दे रही थी। और इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने साफ तौर से उद्धव सरकार को घेरा, इसके साथ ही राहुल गांधी और शरद पवार को भी घेरा और कहा कि राहुल गांधी शरद पवार माफी मांगे। लेकिन जी हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और देखिए किस तरीके से जो लाइटिंग है, सजावट है, उसको हटा दी गई, पूरा मामला संज्ञान में आया। अब आप देखिए पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को जिसके भी दिल में हिंदुस्तान होगा उसको ये खबर बहुत नासाज लग रही होगी और इसलिए हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कब्रगाह की, कब्रिस्तान की, जहां पर अब पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, जो सजावट वहां पर की गई है
उसे वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर पर जरा गौर डालिए, देखिए कितनी लाइटिंग यहाँ पर की गई थी, फूल पत्ते बिखरे हुए थे, जैसे कोई बहुत महान इंसान की मजार यहाँ पर रही हो, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया हो। लेकिन देश को खून से रंगने वाले की महिमा मंडन तो जे हिंदुस्तान नहीं होने देगा, और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी है। ये तस्वीर हमने दिखाई, इस खबर पर हम लोग बने रहे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, और जब प्रशासन को इस बात की सुध लगी, जब इस बात को समझा गया कि वाकई ये त्रुटि नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को खून से रंगने वाले को किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है, किस तरीके से टाइलें लगाई गई, लाइटें लगाई गई, अब वो तमाम चीजें वहां से हटती हुई, बड़ा असर जी हिंदुस्तान की खबर का। तो 1993 की मुंबई ब्लास्ट के दोषी हैं याकूब मेमन, और कब्र को देखिए, उद्धव सरकार के काल में मजार बना दिया गया, ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद इस खबर को प्राथमिकता के साथ, प्रमुखता के साथ जी हिंदुस्तान ने दिखाई, और आखिरकार ये बड़ा एक्शन लिया गया और प्रशासन की टीम अब मौके पर पहुंची है। सवाल कई खड़े हो रखे हैं कि सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले आतंकी की कब्र को आखिर कोई कैसे सम्मान दे सकता है, और ये सवाल बीजेपी ने भी खड़े किया और उसको लेकर साफ तौर से कहा कि अब तो ये राष्ट्र की बात है और इसलिए उद्धव सरकार को इस पे जवाब देना होगा। उद्धव सरकार के कार्यकाल में ये सब चीजें हुई लेकिन किसी को पता भी नहीं चला, और अब देखिए पूरा मामला हाईलाइट हुआ, जी हिंदुस्तान ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम आप देख पा रहे हैं मौके पर पहुंची और कब्र से फूलों को हटाया गया, और जो जिसको मजार की शक्ल दी गई थी, लाइटिंग्स को, डेकोरेशंस को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि आतंकी 1993 मुंबई ब्लास्ट में शामिल था, सैकड़ों लोगों की जान गई थी, और आखिर क्यों उसका इतना महिमा मंडन, क्यों आखिर उसका इतना सम्मान हो रहा है, और जी हिंदुस्तान ने भी लगातार इस खबर को दिखाया प्राथमिकता के साथ, और आखिरकार ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे तस्वीरों में। तो अब आप देखिए मुंबई पुलिस के अधिकारी कब्र के पास, लाइटिंग वाइटिंग वहां से हटाई जा रही है, 60 मिनट में जी हिंदुस्तान की खबर का असर। लेकिन देखना तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन का भाई है याकूब मेमन, जो उसकी कब्र को मजार की शक्ल दी गई, धमाके करवाने में आपको बता दें कि याकूब का एक अहम योगदान रहा, विस्फोटक वाले वाहन टारगेट पर इसने लगाए थे, कई सवाल खड़े हो रहे थे इन पूरी चीजों पर। देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो है घोषित हो चुका है, साथ ही से सजा भी हो चुकी है, फांसी दी जा चुकी है, ऐसे में इस शख्स की कब्र को मजार में तब्दील किया जाना, ये जाहिर सी बात है किसी भी देशवासी को, किसी भी मुंबई कर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और जैसे ही ये मुद्दा उठा और पुलिस यहाँ पहुंची और लगातार कब्र के आसपास जितने भी एलईडी लाइट्स लगाई गई है, जितने भी एलईडी स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, उसे निकालने का काम कर रही है। देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी आम व्यक्ति के कब्र के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब से हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर, याकूब की कब्र से लाइटिंग हटाई गई, और देखिए बार बार ये सवाल हिंदुस्तान उठा रहा था, और अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो अब तक सो रहा था वो भी कहीं ना कहीं जागा, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उठी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, देखिए यहां पर तो हिंदुस्तान की खबर का असर देखने को मिला है, लेकिन वोट बैंक के लिए क्या देश में ऐसा भी कोई तबका है जो खुश होता है और उसी के लिए ये तमाम चीजें की जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब मुंबई पुलिस के जवान मौके पर मौजूद, वहां पर जो फूल आपको नजर आ रहे होंगे, अब से सुबह की भी तस्वीरें जब हमने आपको दिखाई, तो आप देखिए किस तरीके से पूरे मजारे का आतंकी की कब्र ही है। ये हिंदुस्तान का बड़ा दिल है कि जिसने देश को दहलाने की साजिश की, उसको मौत के बाद 2 गज जमीन देश में दी गई, लेकिन आप उसका महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं, ये सीधे सीधे देश के साथ, देशवासियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। अब सजावट वहां से हटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर याकूब मेमन को दफनाने को लेकर सवाल नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस तरह से उसकी कब्र को सजाया जाना, उसे एक तरह से मजार में तब्दील करना, क्या बताने की कोशिश जो है की जा रही थी परिवार की तरफ से, परिवार के अलावा यहाँ पर जो बड़ा मस्जिद है इसके कर्ता धर्ता की तरफ से, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकार, तत्कालीन सरकार उद्धव ठाकरे की थी, साथ ही प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि एक आतंकवादी को इस तरह से लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश जो है लोग करते रहे, प्रशासन जो है आँख पे पट्टी बांधे बैठा रहा, और जब इस मुद्दे को उठाया गया तो प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि सरकार यहाँ पर बदल चुकी है।
तो हिंदुस्तान की खबर का असर आपने देखा मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन एक और बड़ी खबर आई है लखनऊ से, बड़ी खबर जहां पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। जानकारी यह है कि तौफीक नाम का शख्स पूरी तरीके से हिंदू परिवेश में पहुंचा, टीका लगाकर वो पहुंचा और उसके बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश एक बार फिर से। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गैंग एक्टिव है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? गोमती नदी के किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर में ये तोड़फोड़ की गई है। तो लखनऊ के गोमती तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर पर एक युवक ने तोड़फोड़ की है, जहां पे मंदिर के मूर्तियों को खंडित कर दिया है, साथ ही ध्वज को भी फाड़ दिया है। बताया ये जा रहा है कि युवक माथे पर टीका लगाकर अंदर प्रवेश किया था और जब लोगों को शक हुआ तो लोगों ने उसको पकड़ा और जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम तौफीक अहमद बताया। आप तस्वीरों में देखिए तो यही वो मंदिर है जहां पर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि मंदिर को अब ढक दिया गया है, लेकिन इसी जगह पे उस युवक ने माथे पर टीका लगा के पहुंचा और इस मूर्ति को तोड़फोड़ की है। इस वक्त मंदिर के जो पुजारी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था? कल रात्रि को जब आरती की तैयारी हो रही थी करीबन 7:30 बजे के करीब, तो उसी समय एक युवक, मेरे ख्याल से 24 वर्ष की आयु के लगभग होगा, वो जय श्री राम करते हुए मंदिर गर्भगृह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि गर्भगृह में ताला बंद था तो वो फिर मंदिर के बाहर आ गया। सामान्य रूप से मंदिर तो जनता के लिए होता है, लोग दर्शन करने आते हैं, नित्य सब आते रहते हैं, तो ऐसा कोई संदेह नहीं हुआ। परंतु उसने आया, वहां से ईटा उठाया, उसके बाद पहले शनि देव की प्रतिमा को खंडित किया, उसके बाद दौड़ के बता रहे थे यहाँ के लोग, जैसे बताया कि यहाँ पे आए जो धर्मध्वज के नीचे हमारे कपित ध्वज स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं, उनको प्रहार किया, पूरी मूर्ति उखाड़ी और सबसे पहले उनके जो हाथ में ध्वज था उसको तोड़ा गया। तो ये एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत ये यहाँ पर कार्य हुआ है। अच्छा, उस युवक का क्या नाम है? पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है? जब हम लोग ने उसको पकड़ा था तो वो अपना नाम पहला शिवम बता रहा था, फिर शिवा बता रहा था, परंतु उसके बाद जब पुलिस आई है तो पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम तौफीक अहमद बताया। देखिए, आरोपी युवक गिरफ्तार हो चुका है, जय श्री राम का नारा लगाया और नारा लगा के मंदिर के परिसर में अंदर प्रवेश किया। इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रस्ट के लोग थे, जो मंदिर के पुजारी थे, उसको अंदर जाने दिए और वो अंदर जाने के बाद मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया, ध्वज को फाड़ दिया और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम तौफीक अहमद बताया है। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, गोमती नदी के किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ छेड़खानी की गई। मंदिर में आपको बता दें भगवान झंडे को भी फाड़ा गया। तौकीर अहमद ये शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसने मंदिर में तोड़फोड़ की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सनातन पर कब तक प्रहार होता रहेगा? क्यों आखिर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? कई सवाल अभी उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामला संज्ञान में आ गया है और मंदिर तोड़कर आपको बता दें कि तौफीक आखिर क्या दंगा फैलाना चाहता था, क्या उसकी मंशा थी, इसको भी लेकर अभी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर उसके पीछे कौन था, मास्टरमाइंड या ऐसे कई ऐसे शख्स हैं जो लगातार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिसकी जांच अभी की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक तरफ भगवान झंडे को फाड़ा गया तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि हनुमान जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई, तोड़फोड़ की गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने, अब लोगों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त हुआ है और कहीं ना कहीं खबर भी ऐसी है, लेटे हुए हनुमान जी लखनऊ में गोमती नगर के पास, जहां पर टीले वाला मस्जिद भी है उसी के पास ये मंदिर है। और देखिए, बताया गया जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो पहले अपना नाम शिवम बता रहा था शख्स, बाद में पता चला तो इसका नाम तौफीक अहमद निकला। और आप देखिए नेक्सस, आप समझिए इस पैटर्न को। इससे पहले भी आपको याद होगा जब एक मजार पर तोड़फोड़ की गई थी, वो दोनों भी मुस्लिम युवक थे लेकिन सर पर भगवा पगड़ी बांध कर पहुंचे ताकि ये संदेश आए कि हिंदुओं ने तोड़ा है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो
तमाम चीजें सामने आई और इसीलिए इस पैटर्न को डिकोड करना योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तुषार हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर इस तरीके से तोड़फोड़ की गई, क्या मानसिकता उस शख्स की, और सवाल ये है कि आखिर सनातन पर कब तक प्रहार, कब तक माहौल खराब करने की कोशिश। यही एक बड़ा सवाल है। देखिए, पहला ऐसा मामला नहीं है जब सनातन पर प्रहार किया गया है, और जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, जो मंदिर परिसर के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सुनियोजित साजिश है। और यही एक मंदिर है, देखिए, जहां पर इस मूर्ति को खंडित किया गया है। तौफीक अहमद था जो जय श्री राम के नारे लगाया, माथे पे टीका लगाया और मंदिर परिसर में घुसा, और उसके बाद उसने मूर्तियों को तोड़फोड़ करने लगा। तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे साथ खुद मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था मामला, क्यों एक बार फिर से देखिए सनातन पे प्रहार किया गया है। देखिए, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सब लोग को सब में समाहित मानते हैं, शांति की परंपरा है, और शायद उस शांति की परंपरा को ही आज लोगों ने गलत मान लिया है। हमारे देवी देवताओं के हाथ में जहां एक आशीर्वाद की मुद्रा है, वहां शस्त्र भी है। तो शास्त्र और शस्त्र का समागम सनातनी परंपरा की विधान है, तो धर्म की हानि में शस्त्र का भी प्रयोग कहा गया है। परंतु इस मंदिर के बाकी दुष्ट, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों माहौल को खराब करने की साजिश है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर हिंदुओं के लिए काम हो रहा है, मुसलमानों के लिए काम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के बात में शायद ये बात पच नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, हर एक बड़ी खबर आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दंगल यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्ते।